डियर स्टूडेंट्स, एनडीए मैथमेटिक्स सीरीज के 21st लेक्चर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के हम पहले 5 पार्ट कर चुके हैं, आज हमारा 6th पार्ट है। इससे पहले 5वें पार्ट में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। आज इसी में आगे बढ़ते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को वैक्टर फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक या पोलर फॉर्म में और आयलीरियन फॉर्म में हम लिखना सीखेंगे। इसी के साथ इसी लेक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है डी मोरिस थ्योरम, उसको भी हम पढ़ेंगे। और इन सभी कंसेप्ट पर बेस्ड जो हमारे पिछले वर्षों में एनडीए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि एक वेक्टर फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से एक प्लेन हमने ड्रा की थी और इस प्लेन को हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन का नाम दिया था, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या इसको गॉसियन प्लेन भी हम कह देते हैं, आर्गेंड प्लेन भी हम इसको कह देते हैं। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट एक्स वाई के द्वारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और जैसे यहाँ पर ये ओरिजिन है और इस पॉइंट को मैं पी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये ओ से पी को मिलाने वाली एक रेखा हमारे पास है, एक लाइन हमारे पास है। इस लाइन की जो लेंथ है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल होता है। अगर मान लिया यहाँ से हम इस ज्योमेट्रिक पूरा करें ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। तो ओपी लेंथ जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल होती है और ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। इसके अलावा ये जो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, इस एंगल को हमने क्या कहा था, आर्गुमेंट ऑफ जेड कहा था, ठीक। बाकी आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम पिछले लेक्चर में पूरा पढ़ चुके हैं। और अगर किसी स्टूडेंट ने पिछले लेक्चर ना देखा ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले लेक्चर का लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहां से इसको कम्प्लीट देख लेना। अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म की। तो पहले 2 मिनट में वेक्टर के बारे में बता देता हूँ। चलो वेक्टर को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक वस्तु है, इस वस्तु पर हमने एक फोर्स लगा दिया, एक बल लगा दिया, और मैंने इस बल को बताया कि ये बल जो है कितना है, 20 न्यूटन बल है। तो 20 न्यूटन के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में जो है ये बल लग रहा है। तो यहाँ पर 20 न्यूटन है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसका परिणाम है, प्लस डायरेक्शन भी आपको इसकी बतानी पड़ेगी, ठीक है। भी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी है या अपोजिट है या लेफ्ट में राइट में, जो भी है इसकी डायरेक्शन आपको बतानी पड़ेगी। तो बहुत सी भौतिक राशियां ऐसी होती है, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, ठीक। हिंदी में इसको सदिश बोलते हैं, ठीक है। और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे मास है किसी बॉडी का, द्रव्यमान है, मैंने बता दिया कि 20 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है, तो इसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काफी है। ऐसी क्वांटिटीज जो है वो स्केलर कहलाती है, जिसको हिंदी में अदिश बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सदिश की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, कि जैसे यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजिशन और डायरेक्शन बताने वाला भी एक वैक्टर यहां पर हम ऐसे ड्रा करते हैं, ओपी। ये देखिए ओ से लेके पी तक, ये इसका मैग्नीट्यूड है और एरो इसकी डायरेक्शन बता रही है, ठीक। तो एक आर्गेंड प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की पोजीशन और डायरेक्शन बताने वाला जो वेक्टर होता है,
उसको हम पोजिशन वैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोजिशन वैक्टर, ठीक। और यहां पर पी के पोजिशन वैक्टर को हम ओ पी और ऊपर इस तरह से ये वैक्टर का सिंबल होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां पर ये कहते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके पोजिशन वैक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप कहोगे सर कि ये बात तो जैसी नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोजिशन वैक्टर के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीज होती है, एक तो होता है उसका मॉडुलस, ठीक है, और दूसरा होता है उसका आर्गुमेंट, ठीक है। दो ही तो चीज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये दोनों चीज क्या है, ये वेक्टर दे देगा कि जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड यानी यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ठीक है, वो तो इसका क्या दे देगा, मॉडुलस दे देगा। और क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन जुड़ी हुई होती है, एंगल भी पता लग जाएगा, ठीक है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ओपी, दिस गिव्स द आर्गुमेंट, ठीक। जो एंगल है वो क्या दे देगा, आर्गुमेंट दे देगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पोजिशन वेक्टर, ठीक, हुज मैग्नीट्यूड गिव्स द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड एक्स एक्सिस गिव्स द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे समझते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके पोलर फॉर्म में या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वापस वही हम आर्गेंड प्लेन ड्रा करते हैं और इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयटा वाई, एक पॉइंट एक्स वाई के द्वारा रिप्रेजेंट हो गया, ये लाइन ओ पी होगी, ठीक है। ओ पी जो है इसकी लेंथ, OP की जो लेंथ है वो क्या देगी आपको, मॉडुलस ऑफ z देगी। इसको मैं R का नाम दे देता हूँ एक बार, यानी OP लेंथ है उसको मैंने R का नाम दे दिया यहाँ पर। और ये एंगल क्या है, थीटा। और अगर ये ज्योमेट्री कंप्लीट करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये x है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है ये क्या है, y है, ठीक, क्योंकि ये इतना y होता है तो ये आपस में इक्वल है ना, ठीक। अब देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को M का नाम दे दूं, ओ एम बाई ओ पी करके देखो, यहाँ पर ओ एम बाई ओ पी, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, कोस थीटा होता है। ओ एम, ओ एम क्या है X और ओ पी क्या है R। तो अगर यहां से हम देखें ना तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R कोस थीटा, ठीक। और इसी तरह से अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करें तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एम पी बाई ओ पी, एम पी क्या है वाई और ओ पी क्या है आर। तो यहां से वाई इज इक्वल टू आर, इधर साइन की तरफ मल्टीप्लाई हो जाए आर साइन थीटा, ठीक। तो अब देखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक, x प्लस आयटा वाई को मैं लिख सकता हूँ x की जगह पर r cos थीटा प्लस आयोटा y की जगह पर r sin थीटा। तो यहां से r कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक। तो यहां से देखिए कि z को हमने एक नई फॉर्म में लिख दिया, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक। अब ये जो फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, ठीक। यहां पर आर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड है, और थीटा जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर मान लीजिए आर्गुमेंट की हम जनरल वैल्यू लेते हैं ना, तो जेड इज इक्वल टू आर कोस, जनरल वैल्यू क्या होती है, टू एन पाई, टू एन पाई प्लस थीटा प्लस आयटा साइन टू एन पाई प्लस थीटा, ठीक। तो ये जनरल, अगर आर्गुमेंट हम जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट लेते हैं तो ये फॉर्म हो जाएगी, लेकिन हम ज्यादातर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट के साथ ही डील करते हैं।
इसलिए आपने ये फॉर्म याद रखनी है। अब देखिए कि एक सिंपल सा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस एक्टा, इसको पोलर फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, हमें पता है कि पोलर फॉर्म क्या होता है कि r cos थीटा प्लस एटा साइन थीटा, कि एक तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ z चाहिए, दूसरा उसका आर्गुमेंट चाहिए, तो ये दोनों चीज हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी इसकी। तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, यानी x क्या है 1 और y भी क्या है 1, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक, दूसरा चाहिए आपको थीटा। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई चक्कर नहीं है, टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स 1/1। ठीक, तो टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर फर्स्ट देखिए दोनों पॉजिटिव है ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट टेंजेंट इनवर्स y बाई एक्स के इक्वल ही होता है। ठीक, यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ ये लगा दो, लेकिन यहाँ पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो टेंजेंट इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, पाई बाई 4 के इक्वल होता है। तब देखिए आपके पास आर्गुमेंट आ गया है, मॉडुलस भी आ गया है, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए, जेड इज इक्वल टू रूट 2 कोस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। ठीक, ये जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म होगी। अब यहाँ देखिए कि पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड हमारे से क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछा गया था, ये है कि लेट जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 देन जेड इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो सम्मिश्र संख्या का मॉडुलस जो है कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और आर्गुमेंट इसका कोणांक जो है 5 पाई बाई 6 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि इनमें से जो है जो कॉम्प्लेक्स नंबर वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपको एक तो r दे दिया कितना है 4, और आर्गुमेंट ऑफ जेड जो 5 पाई बाई 6 दे दिया, यानी थीटा जो है एक किस्म से इसको आप कह सकते हो 5 पाई बाई 6 दे दिया। तो यहां से z विल बी इक्वल टू r कोस थीटा यानी कोस 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 6। ठीक, पोलर फॉर्म लगा दी मैंने, r कितना है 4। अब कोस 5 पाई बाई 6 इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाई 6, सोल्व करके देखो 5 पाई बाई 6 ही आएगा, प्लस आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6। तो वास्तव में इस टाइप की जो वैल्यूज आती है ना, उनका हम इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जीरो के साथ, पाई बाई 2 के साथ, पाई के साथ, 3 पाई बाई 2 के साथ, या 2 पाई के साथ। तो वही मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, 4 कोस पाई माइनस पाई बाई 6, पाई तो यहाँ पे पाई बाई 6 सेकंड क्वाड्रेंट में आके पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस पाई बाई 6 के इक्वल होगा, और प्लस में आयोटा साइन पाई माइनस पाई बाई 6 साइन, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ठीक, अब देखिए 4 इंटू ये कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री रूट 3 बाई 2। ठीक, प्लस और यहाँ पर साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। ठीक, और जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा। ठीक, और ये हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पूछा है कि मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा वेयर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। अब देखिए कि ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ये तीनों एक ही बात है। तो यहाँ पर पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर इसका आर या मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड आउट करते हैं, जो कि इसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट अपन इसका स्क्वायर अंडर द रूट, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 + 1 और 3 + 1 का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड और फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव एक्स भी और वाई भी, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स, टेंजेंट इनवर्स वाई कितना है 1 और एक्स कितना √3। ठीक, तो टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कितने भी होते हैं 30 डिग्री भी होते हैं, यानी पाई बाई 6 हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 6, थीटा पाई बाई 6 है। तो यहाँ पर देखिए कि जेड को हम अगर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखें या जिसको हम पोलर फॉर्म कहते हैं आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा ऐसे लिखते हैं ना, तो आर कितना हो गया 2 कोस पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन पाई बाई 6। तो ये देखो कौन सा बनेगा, कोस पाई बाई 6 प्लस आयटा साइन पाई बाई 6, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। अब आइए आगे और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम आइलेरियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मोरिस थ्योरम दोनों को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर सभी पर बेस्ड जो क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो आइलेरियन फॉर्म में क्या होता है कि देखिए मैं यहाँ पर दो एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा और दूसरा है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को जो है आइलेरियन ने देखिए किस तरह से लिखा है, इस एक्सप्रेशन को आइलेरियन ने कुछ इस तरह से लिखा है कि ए पावर आयोटा थीटा जो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और इसी तरह से ए पावर माइनस आयोटा थीटा ये कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है। अब ये जो दोनों नोटेशन है ना इनको हम कहते हैं आइलेरियन नोटेशन, क्या कहते हैं आइलेरियन नोटेशन। अब आइलेरियन नोटेशन को समझने के बाद देखिए कि हमें यह पता है कि हम पोलर फॉर्म में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। तो आइलेरियन फॉर्म में जेड क्या लिखा जाएगा, आर तो आर ही रहेगा और इसको हमने क्या लिखा ई पावर आयटा थीटा। अब ये जो फॉर्म है ना कॉम्प्लेक्स नंबर की, दिस इज कॉल्ड आइलेरियन फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए कि एक छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाता हूँ कि मान लेते हैं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -2 + 2 आयोटा। अब देखिए इसका अगर मैं मॉडुलस लेता हूँ ना तो ये क्या बनेगा, -2² + 2² अंडर द रूट √8 यानी 2√2 बनेगा। और आर्गुमेंट भी पहले हम फाइंड आउट करना सीख चुके हैं और इसका किया भी हमने 3π/4 आता है, ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो अगर आपके पास मॉडुलस है और एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट है तो z को क्या लिखोगे आइलेरियन फॉर्म में, r यानी 2√2 ई पावर आयोटा थीटा कितना 3π/4 इस तरह से जो है हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को आइलेरियन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि डी मोरिस थ्योरम क्या है, कि जब हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख रखा हो ना, कौन सी फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, उस केस में जेड की पावर को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला है और वही फार्मूला जो है क्या है और कुछ नहीं डी मोरिस थ्योरम है, ठीक है। और वो फार्मूला बता देता हूँ कि जैसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसकी पावर है एन, और एन जो है यहाँ पर क्या है एन बिलोंग्स टू इंटीजर,
अगर एन इंटीजर है तो ये फार्मूला क्या बनता है, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब सेकंड केस आता है कि यदि एन क्या हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, तो अगर रेशनल नंबर होगा तो यहां पर एन की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां पर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, उनमें से एक वैल्यू जो है वो क्या होगी, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक, तो यहां पर इसको बराबर नहीं लिखेंगे, हम ये लिखेंगे वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ दिस इज दिस। हम देखिए कि अगर डी मोरिस थ्योरम को मैं समराइज करूँ ना, तो अगर जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा है, तो जेड पावर एन जो है वो क्या होगा, आर पावर एन इंटू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा पावर एन, और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, आर पावर एन इंटू कोस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा। ठीक, तो जेड पावर एन क्या होगा, आर पावर एन इंटू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब डी मोरिस थ्योरम की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि जैसे वन अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर माइनस वन। और अब क्योंकि ये इंटीजर है तो ये माइनस वन किधर थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, कोस माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर ही होता है, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये आयटा माइनस आयटा साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर माइनस वन किसके इक्वल है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए कि यहाँ पर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की बजाय साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले साइन को कोस में चेंज करेंगे, कि कोस पाई बाय टू माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस पाई बाय टू माइनस थीटा होता है। ठीक, और कोस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, पहले साइन को कोस में चेंज किया फिर कोस को साइन में चेंज किया, और फिर जो ऊपर पावर एन थी उसमें मैंने डी मोरिस थ्योरम लगा दी और ये प्रॉपर्टी बन गई इसकी। तो यहाँ पर ये दो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज हुआ है, ये हम 10th क्लास में भी पढ़ते थे, वहाँ पर पाई बाय टू की जगह 90 डिग्री करके पढ़ते थे इसको। तो अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि कोस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कोस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू, इसी तरह से अगर हम चलते जाते हैं कोस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन तक, तो ये देखिए किसके इक्वल होगी, कोस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा एन तक। ठीक, अब देखिए डी मोरिस थ्योरम पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स पावर थ्री, इसका रियल पार्ट क्या होगा, और आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज माइनस कोस ऑफ थ्री एक्स, सेकेंड ऑप्शन है माइनस साइन थ्री एक्स, फोर्थ ऑप्शन है साइन थ्री एक्स एंड सॉरी थर्ड ऑप्शन है साइन थ्री एक्स एंड फोर्थ ऑप्शन है कोस थ्री एक्स। तो यहाँ पर देखिए कि डी मोरिस थ्योरम हमारी लगती है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा पावर एन पर, विच इज इक्वल टू कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये डी मोरिस थ्योरम। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, कोस थीटा और आयोटा के साथ क्या होना चाहिए, साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले साइन थीटा है आयोटा के साथ कोस थीटा है, इसका मतलब साइन को कोस में और कोस को साइन में चेंज करना पड़ेगा,
इसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल से रूल होते हैं कि कोस पाई बाय टू माइनस थीटा, ये तो होता है साइन थीटा के इक्वल, और साइन पाई बाय टू माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल। जब भी साइन को कोस में, कोस को साइन में चेंज करने की जरूरत हो ना, तो हम ये वाले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा देते हैं। ये वैसे 10th क्लास के फार्मूले ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन को हम लिख देते हैं कोस पाई बाय टू माइनस एक्स, ये हो गया कोस पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस आयोटा, कोस को लिख देते हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, कोस एक्स को, कोस एक्स को लिखेंगे साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स, और फिर इसकी पावर कितनी है, थ्री है, ठीक। तो अब डी मोरिस थ्योरम लगाएंगे तो ये जो पावर है इस आर्गुमेंट के साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा कोस थ्री पाई बाय टू माइनस एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा थ्री एक्स प्लस आयोटा इंटू साइन थ्री पाई बाय टू माइनस थ्री एक्स, ठीक। तो अब देखिए कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जीरो से पाई बाय टू, पाई, थ्री पाई बाय टू एंड टू पाई, ठीक। अब ये है थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा, थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सिर्फ टेंजेंट एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल एंड कोट, टेंजेंट एंड कोट ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और पाई बाय टू एंड थ्री पाई बाय टू के साथ अगर हम कोई भी इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो कोस को साइन में, साइन को कोस में चेंज कर देते हैं। तो ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आया है और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता था, एक तो माइनस का साइन लगाएंगे, और थ्री पाई बाय टू के साथ कॉम्बिनेशन है तो कोस का क्या बन जाएगा, साइन, और ये थ्री एक्स एज इट इज रह जाएगा प्लस में आयोटा। अब साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस, और थ्री पाई बाय टू के साथ है तो साइन का बन जाएगा कोस और थ्री एक्स, ठीक। तो ये आ गया हमारे पास साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस आयोटा कोस थ्री एक्स। अब पूछा क्या हमारे से, रियल पार्ट पूछा, इसका वास्तविक भाग पूछा क्या है, तो वास्तविक भाग आ गया इसका माइनस साइन ऑफ थ्री एक्स, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए, ये 2011 में हमारे से पूछा गया था, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन प्लस आयोटा पावर फाइव प्लस वन माइनस आयोटा पावर फाइव। तो आगे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, माइनस एट, एट, एट आयोटा और माइनस एट आयोटा। अब यहाँ पर देखिए कि वन प्लस आयोटा पावर फाइव, और यहाँ पर पावर देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन किसका है, डी मोरिस थ्योरम का है। तो पहले तो इसको जो है डी मोरिस थ्योरम लगाने के लिए इसको पोलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो दोनों पार्ट को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। पहले वन प्लस आयोटा पावर फाइव, इसको सोल्व करने के लिए पहले तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, यानी मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं इसका, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, वन स्क्वेयर प्लस में वन स्क्वेयर अंडर द रूट, यानी रूट टू हो जाएगा, ठीक। और इसका आर्गुमेंट, अब दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक रहेगा टेंजेंट इनवर्स वन बाई वन वाई बाई एक्स, तो टेंजेंट इनवर्स वन, टेंजेंट इनवर्स वन क्या होता है, पाई बाई फोर होता है। तो वन प्लस आयोटा पावर फाइव को हम लिख सकते हैं आर कोस पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर। अब पावर फाइव है तो यहाँ पर आर की पावर भी फाइव लग जाएगी, इसकी पावर भी फाइव लग जाएगी, आर की जगह क्या है, रूट टू है। चलो इस स्टेप में मैं रूट टू पावर फाइव कर देता हूँ, और ये करता हूँ कोस फाइव यहाँ आ जाएगा फाइव पाई बाई फोर प्लस आयोटा साइन फाइव पाई बाई
फोर, ठीक। अब रूट टू की पावर 5 है, तो इसको मैं रूट टू पावर 4 इंटू रूट टू कह सकता हूँ, ठीक है। टोटल 5 पावर होगी ना, और यहाँ पर कोस, और इसको हम कहते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे 5 पाई बाई 4 ही आएगा, प्लस आयोटा साइन पाई प्लस पाई बाई 4, ठीक। अब रूट टू पावर 4 कितना हो गया, रूट टू की पावर 2, 2 2 2 जा 4 इंटू रूट टू, और कोस पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया ना, थर्ड में कोस नेगेटिव है तो माइनस कोस पाई बाई 4, और साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 4। और साइन कोस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो 4 × √2 माइनस 1/√2 और माइनस आयोटा इंटू 1/√2। अब रूट टू इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, देखिए अंदर रूट टू एलसीएम आ गया, माइनस 1 माइनस आयोटा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 आयोटा, ठीक। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा पार्ट है 1 माइनस आयोटा पावर 5, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आर तो सेम वही रहेगा, 1 प्लस में माइनस 1 का स्क्वेयर, ठीक है, अंडर द रूट, तो इसके लिए आर तो वही स्क्वेयर रूट ऑफ 2 रहेगा। और अब देखिए 1 माइनस 1 यानी एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होता है वो माइनस अल्फा के इक्वल होता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो माइनस टेंजेंट वाई बाई एक्स माइनस 1/1 यानी माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 के इक्वल रहेगा, यानी माइनस पाई बाई 4 के इक्वल रहेगा, ओके। अब यहाँ पर 1 माइनस आयोटा पावर 5 को मैं लिख सकता हूँ कि आर यानी रूट टू पावर 5 इंटू कोस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4 की पावर 5, ठीक। अब स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पावर 5, अब ये माइनस पावर माइनस है ना, इस इधर आर्गुमेंट में वो तो मैं इधर बाहर ले जाता हूँ और ये 5 अंदर ले आता हूँ, कोस 5 पाई बाई 4 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाई 4, और ये पावर माइनस 1 लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस 1 अंदर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों आर्गुमेंट इसके। अब ये देखो कि कोस 5 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 4 इसको हमने सोल्व कर रखा है यहाँ तक, ये मैं एज इट इज यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, और स्क्वेयर रूट ऑफ 2 पावर 5 इसको मैं 4 × √2 कह देता हूँ, और इसको मैं यूज कर लेता हूँ माइनस कोस 5/4 माइनस आयोटा साइन 5/4, ठीक। अब इस माइनस 1 को मैं अंदर ले आता हूँ, ठीक, माइनस 1 को मैं अंदर लेके आऊंगा तो ये आर्गुमेंट नेगेटिव हो जाएगा, और कोस के ऊपर यानी कोस माइनस थीटा जो है वो कोस थीटा के इक्वल ही रहता है, जबकि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, ये याद रखना अपने ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। तो इस माइनस 1 का इधर कोस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये माइनस जो है प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में 4√2 माइनस कोस 5/4 प्लस आयोटा साइन 5/4 रहेगा, ठीक। और जब इनकी वैल्यूज रखेंगे हम तो देखिए 4√2 और माइनस कोस 5/4 1/√2 और प्लस में आयोटा इंटू
वन अपॉन रूट टू, ठीक। और ये आ जाएगा आपका रूट टू से रूट टू कैंसिल, माइनस फोर, और फिर रूट टू से रूट टू कैंसिल, प्लस में फोर आयोटा, ठीक। अब एक इसको और एक इसको, इन दोनों को प्लस करना हमने, माइनस फोर आयोटा को और माइनस फोर प्लस फोर आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कैंसिल, माइनस एट आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से इस कंसेप्ट पे और भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे असाइनमेंट में, और थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और आज के लेक्चर में बस इतना ही, और कल के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उस पे एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर हालत में आता ही आता है, एक से ज्यादा भी कई बार आ जाते हैं। तो कल का लेक्चर आपने किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।